हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसका, हम सबको पता है कि फर्स्ट ईयर बीएड की काउंसलिंग चल रही है और ये हमारा जो बीएड का सिलेबस है उसको हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और ये है पेपर BD 103। ठीक है, हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि अब इस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है और इसको हम कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। करिकुलम में जो भी लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस जो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा सिलेबस है, इसके इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि हमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जो कि एक क्लास में हमें पता है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच्चे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बच्चे होते हैं, तो उसके लिए हम सेंसिटिविटी जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, और डेवलप करें लिसनिंग स्पीकिंग एबिलिटीज़ को, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपकी जो यूनिट वन है ना, उसके अंदर आपको पढ़ना है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, है ना। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच ये आपका यूनिट वन है। इसमें आपको मीनिंग नेचर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन इन क्लासरूम लर्निंग। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये समझना है कि लैंग्वेज क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नेचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और लैंग्वेज क्या क्या काम करती है, लैंग्वेज से क्या क्या वर्क होते हैं, है ना। तो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देन इंटरेक्शन इन क्लासरूम लर्निंग, और लैंग्वेज को कैसे आप क्लासरूम लर्निंग में जो है इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, देन एक सेकेंड, या इसको हटा लेते हैं। हाँ, हो गया, चलो। ठीक है, व्हाट हैपेंड या तो ठीक है, अब देखते हैं कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी में डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज। हमें पता है कि हमारे जो इंडिया है यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो लैंग्वेजेस का क्या स्टेटस है, इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। मल्टीकल्चरल अवेयरनेस इन द क्लासरूम, और मल्टीकल्चरल अवेयरनेस जो है हमें क्लासरूम में जो देनी होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कि एक क्लास जो होती है, हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बच्चे होते हैं, तो हमें उसी तरीके से वहाँ पे देखना है। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी के अंदर हमें ये वाली चीज़ पढ़नी है। दैट मल्टीलिंग्विज्म एज अ सोर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ पे आपको पढ़ना है कि मल्टीलिंगुअल, एक क्लास अगर मल्टीलिंगुअल है तो उससे हम कैसे एज अ एसेट यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, मतलब हम उसे एक जरिया कैसे बना सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे हमें इसको पढ़ना है। तो ये जो हमारी यूनिट है बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल है ना इसको समझने के लिए। तो एक हमारा ये यूनिट है। देन आपकी जो सेकेंड यूनिट आती है वो आती है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या है, मीनिंग नेचर प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग नेचर वही के कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है। अच्छी यूनिट है ये, आप पढ़ने में मज़ा आएगा इसको। और कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के क्या होते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन होता है ना वो एक तरफा नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने बोला तो सामने वाले ने भी सुना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आपने बोल दिया। ठीक है, तो सेंडर होता है, एक मैसेज होता है उसमें, रिसीवर होता है, और एक मीडियम होता है ना। तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं, आप एनकोडर होता है, डिकोडर होता है, नॉइज़ आती है, तो वो हम सब पढ़ लेंगे। हम इसको पूरा कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। और लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज जो है, जो आप बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन का एक तरीका, एक टूल कैसे बनता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, देन एक्विजिशन ऑफ द फोर लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, एक्विजिशन ऑफ फोर लैंग्वेज स्किल्स। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, है ना। तो आपके एक जो लैंग्वेज स्किल्स है ना, इसके अंदर एक ही चीज़ नहीं होता कि सिर्फ बोलना बोलना, सब कुछ आना चाहिए। अगर आप बोलना जानते हैं, अगर आप बोलना जानते हैं तो आपको सुनना भी आना चाहिए। एक एक्टिव लिसनर वही होता है जो सुनना जानता है, है ना। तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि लिसनिंग, जब आप सुन रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और क्या स्ट्रैटेजीज हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज, रिलेशनशिप क्या है, रीडिंग और राइटिंग के अंदर जो है रिलेशनशिप क्या है, आप उसको बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट थर्ड के अंदर।
हम सब कुछ कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, क्लासरूम डिस्कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो जनरल क्लासरूम और ओरल लैंग्वेज, डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग एज अ टूल फॉर लर्निंग, है ना. तो आप कैसे डिस्कशन, तो ये जो पूरा सिलेबस है ना, इसके अंदर हमें लैंग्वेजेस के बारे में ही पढ़ना है कि उसको, उसके थ्रू हम लैंग्वेज, हम अपनी लर्निंग को कैसे एक अच्छी तरीके से बना सकते हैं ना. और रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम डिस्कोर्स, और क्लासरूम के अंदर रोल ऑफ टीचर का, रोल ऑफ टीचर कैसा हो सकता है ना. देन कंस्ट्रक्टिव स्किल्स, अब आप अपनी लैंग्वेज से कैसे एक स्टूडेंट को, एक क्लास को कैसे एंगेजिंग रख पा रहे हैं, कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे एलैबोरेट कर रहे हैं, कैसे इवेल्यूएट कर रहे हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जब आप क्लास में टीचर बन के जाएंगे तो आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, है ना. तो इन स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको अपने अंदर एक इनकलकेट कर सकते हैं, और कैसे ये क्लासरूम में हेल्प करेंगी आपको बच्चों को समझने में और बच्चों को चीज़ें समझाने में क्लास में, है ना. तो इस यूनिट के अंदर हम ये पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम लाइफ स्किल्स वहाँ पे पढ़ेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है ना, अपने बारे में जाना, एम्पैथी क्या होती है, कोई समस्या में है तो उसको फील करना, उसकी जगह पे खुद को रख के देखना, एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, मतलब क्या है क्रिटिकल थिंकिंग. देन क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं, और मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं, और सोशल स्किल्स होती हैं. एक टीचर के अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए. अगर कोई बच्चा डिस्ट्रेस में है, परेशान है, तो एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि एम्पैथी होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को फील कर पाए. अगर आप ऐसे टीचर नहीं हैं तो वो आपके अंदर एक कमी है, है ना. एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये बच्चा ये फील कर रहा है तो इसको ही प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या किस किस तरीके से मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. तो एक टीचर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मैनेजमेंट स्किल्स, क्लास को मैनेज करना, एक मल्टी कल्चरल, मल्टी डाइवर्स, मल्टी लिंगुअल क्लास को एक वो करना, कि मैनेजमेंट स्किल्स लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ वेरी टफ, बहुत टफ है वो, ठीक है. देन सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स जो हैं वो क्या होती हैं, है ना, आप समाजीकरण कैसे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, ये एक लाइफ में ये स्किल्स होनी चाहिए, और ये स्किल्स एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, और उस टीचर को क्या करना चाहिए, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर ये वाली स्किल्स उसे डालनी है. तो हम कैसे लैंग्वेज का यूज़ करेंगे इन चीज़ों को इनकलकेट करने में, ठीक है. तो ये है हमारा जो सिलेबस है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है. तो ये है ना, तो ये है आपका, ठीक है. तो अब ये सिलेबस है हमारा, तीन सिलेबस हमने डिस्कस कर चुके हैं. मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं काजल कौशिक, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इस वक्त GCMT में, और मैंने UGC नेट, UPTET, CTET सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है. तो ये था, समझ गए, तो ये हमारा था. हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ बड़े अच्छे से कवर करेंगे, और उसके बाद हम और भी चीज़, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.